बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम अपना बैंकिंग का नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बैंकिंग के अंदर जो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि टॉपिक बेटा ये थोड़ा सा ज़रा लेंथी है, डैट्स वाई इस टॉपिक को हम अपने दो हिस्सों के अंदर जो है वो करेंगे। इसमें दो लेक्चर आपके कवर होंगे, एक लेक्चर नंबर 6 और दूसरा लेक्चर नंबर 7। हाफ में आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाऊंगा, रिमेनिंग हाफ आपको लेक्चर नंबर 7 के अंदर बेटा ये रीड करवाऊंगा। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कमर्शियल बैंक। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हो गया और अब हम लोगों ने जो टॉपिक अपना स्टार्ट करना है वो कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक जिसे उर्दू में कहा जाता है तिजारती बैंक। अब तिजारती बैंक आसान से आसान अल्फाजों में अगर डिफाइन करो तो ये ऐसे बैंक होते हैं जिनका बुनियादी मकसद जो है वो नफा कमाना होता है। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार पहले रीड करते हैं इंग्लिश के अंदर, फिर उर्दू में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ। कहते हैं अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, बेसिकली कोई भी बैंक जब पाकिस्तान के अंदर बनता है तो उसके लिए एक कानून बनाया गया हुआ है, जो कानून है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, और वो इसके अंदर मौजूद तमाम की तमाम फिर चीज़ों को फॉलो करता है। अभी है क्या चीज़ें, कहते हैं बैंकिंग मीन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टिंग द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। कहते हैं बैंकिंग की अगर बात की जाए तो हर वो इदारा है जो लोगों से उनके पैसे जो है वो लेता है ताकि उन पैसों को आगे किसी जगह के ऊपर लगा सके, किसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर सके। रीपेएबल ऑन डिमांड और विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। और वो पैसे अदा किए जाएंगे जब अगला कहेगा, या जब अगले ने आपको कोई चेक लिख कर दिया या कोई ड्राफ्ट लिख कर दिया तब आपने ये पैसे उसको वापस करने हैं। वैसे ये पैसे वापस नहीं होते क्योंकि कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए कि आपने अगले के कहने के ऊपर वो पैसे उसको वापस किए हैं। आज का जो हमारा बेसिकली मेन टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बेटा बात करूं तो इसके दो फंक्शंस हमारे पास होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन, और जो सेकेंडरी फंक्शन है उसमें एजेंसी सर्विसेज और यूटिलिटी सर्विसेज, इन दोनों के ऊपर बात की जाएगी। चूंकि मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रा लेंथी है तो इसलिए आज के टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्राइमरी फंक्शंस को लेकर बात करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसके ऊपर हम सेकेंडरी फंक्शंस को लेकर बेटा बात करेंगे। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहली होती है रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक पहला काम क्या करता है कि पहले लोगों से पैसे रिसीव करता है। लोगों से पैसे रिसीव करने के लिए बैंक उनको कहता है कि आप मेरे पास अपना अकाउंट ओपन करवाएं, और अकाउंट बैंक में तीन तरह के नॉर्मली ओपन होते हैं, वैसे तो चार होते हैं लेकिन यहाँ पर तीन तरह के अकाउंट्स ऑफर करवाए जाते हैं। मैं वन बाय वन इनके नाम इंग्लिश में ले रहा हूँ, उसके बाद उर्दू में भी इनके मीनिंग बताता हूँ कि इनके मीनिंग क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ है जी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसे उर्दू में कहा जाता है मियादी खाता। अकाउंट को उर्दू में खाता कहा जाता है और फिक्स डिपॉजिट को मियादी वर्ड बोला जाता है। फिर लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट यानी कि बचत का खाता। फिर लिखा हुआ है करंट अकाउंट को उर्दू में कहा जाता है चिल्लत खाता। और फिर आखिरी हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये चार तरह के अकाउंट्स होते हैं जिसके जरिए हम लोगों से क्या करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं। अब इन चारों में फर्क क्या है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम पैसे लेने के बाद वो पैसे एक मुयना मुद्दत तक, यानी कि इसमें जो है वो कह सकते हैं कि एक टाइम मुकर्रर किया जाता है, उस टाइम से पहले आप जो है वो अपने पैसे यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें मुद्दत जो है वो आपको डिफाइन करनी पड़ती है। मिनिमम ये मुद्दत जो है वो 6 महीने की होती है, कम से कम 6 महीने के लिए आपको अपने पैसे जो है वो बैंक के पास जमा करवाने पड़ते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करवाना चाहें आप उससे ज़्यादा देर के लिए भी जमा करवा सकते हैं। लाइक मैं बैंक को कहता हूँ आप 5 साल के लिए ये पैसा अपने पास सेव कर लें या 10 साल के लिए ये पैसा अपने पास सेव कर लें, जैसे आपने कहना है बैंक ने इन पैसों को उतनी देर तक अपने पास रखना है। और यही रीज़न है कि बैंक जब ये पैसे अपने पास रखेगा तो ये पैसे आगे लोगों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, और जब इन्वेस्ट करेगा तो बैंक इस अकाउंट के ऊपर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। सेकंड आप लोगों के पास आ जाता है जिसका नाम है सेविंग अकाउंट, जिसे उर्दू में कहा जाता है बचत खाता। ये अकाउंट बेसिकली कम तनख्वाहदार लोगों के लिए बेटा ये अकाउंट बनाया जाता है। इस अकाउंट में बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप पैसे जमा भी करवा सकते हैं और पैसे विड्रॉ भी करवा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में सिर्फ हम डिपॉजिट करवा सकते हैं, टाइम पूरा होने से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन सेविंग के अंदर हम पैसे जमा भी करवा सकते हैं और पैसे निकलवा भी सकते हैं, लेकिन पैसे निकलवाने की बेटा यहाँ पर लिमिट होती है, हम सारे के सारे पैसे इकट्ठे विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मुझे सारे पैसे इकट्ठे निकलवाने हैं तो मुझे देन बैंक को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं आज अपनी सारी की सारी रकम निकलवाने जा रहा हूँ। रीजन क्या है कि सेविंग अकाउंट में बैंक ने चूंकि लिमिट लगाई होती है कि आपने सारे पैसे नहीं निकलवाने, तो बैंक आपके कुछ पैसे क्या करता है लोगों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं।
यही रीजन होती है कि जब लोगों के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तो बैंक इसके ऊपर भी आपको जो है वो प्रॉफिट पे करा था, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं और उर्दू में उसे सूद कहा जाता है, लेकिन आज के दौर के अंदर इसको मुनाफे के सेंस में जो है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो सेविंग अकाउंट के अंदर बेटा आप लोगों को प्रॉफिट दिया जाता है एज कम्पेयर टू फिक्स डिपोजिट अकाउंट, ये कम होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है जिसका नाम है विद द नेम ऑफ सेव करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जिसे हम उर्दू में कहते हैं चिल्लत खाता। अब चिल्लत खाता क्या चीज है? ऐसा अकाउंट जो प्योरली बिजनेसमैन के लिए हो। इसमें बिजनेसमैन को ऑप्शन दी जाती है कि वो बैंक की टाइमिंग में जब मर्जी बैंक के अंदर आए पैसे जमा करवाए और जब मर्जी बैंक के अंदर से वो अपने पैसे जो है वो विदड्रॉ भी कर सकते हैं। पैसे जमा करवाने के लिए बैंक की टाइमिंग में जब मर्जी है और बैंक की टाइमिंग के अंदर आते रहते हुए जब मर्जी अपने पैसे विदड्रॉ करवा सकते हैं। इसमें पैसों की कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, इस अकाउंट के अगेंस्ट बैंक क्या करता है, आपसे अपने सर्विस चार्जेस वसूल करता है, क्योंकि बैंक आपको सर्विस दे रहा है। इस अकाउंट में किसी भी किस्म का बैंक आपको कोई प्रॉफिट पे नहीं करता। और आप लोगों के पास आता है फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी में भी बेटा ये ऊपर वाले तीन ही अकाउंट ओपन किए जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग और करंट अकाउंट। लेकिन इसमें जो पैसे जमा करवाए जाते हैं वो फॉरेन करेंसी की शक्ल में करवाए जाते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है फॉरेन करेंसी, गैर मुल्की पैसा जमा करवाना पड़ेगा। लाइक या तो डॉलर जमा करवाएंगे, या फिर हम लोग पाउंड जमा करवाएंगे, या फिर हम सऊदीया की करेंसी रियाल वगैरह जमा करवाएंगे, इस तरह की करेंसी जमा होती है। और इसमें जो प्रॉफिट भी दिया जाता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी हमने जमा करवाई है, तो प्रॉफिट भी किसमें होता है, फॉरेन करेंसी की शक्ल के अंदर होता है। और इसमें जो मेन चीज आप लोगों के पास आती है वो ये कि जो आप लोगों का फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, इस अकाउंट के ऊपर आप लोगों की ज़कात बेटा डिडक्ट नहीं होती। सेकंड पोर्शन जो हमारा इसके अंदर आता है, वैसे तो उस पोर्शन का नाम था आप लोगों का जिसमें हम लोगों ने एडवांसेस ऑफ लोन के बारे में यहाँ पे रीड करना था। एडवांसेस ऑफ लोन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लोन कितनी तरह की होती हैं। तो बेटा पांच तरह के लोन होते हैं। नंबर वन डिमांड लोन, सेकंड आते हैं शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और प्रोजेक्ट लोन। मैं वन बाय वन इन पांचों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिमांड लोन से मुराद जिसे उर्दू में कहा जाता है तलबी कर्जे, ऐसा कर्जा जो बैंक देते वक्त जिस बंदे को ये कर्जा दे उसको ये कह दे कि भाई जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ये पैसे वापस ले लूंगा, चाहे 1 घंटे बाद बैंक आपको बुला ले, चाहे 2 घंटे बाद बैंक आपको कह दे। इस तरह का जो कर्जा होता है उसे हम डिमांड लोन कहते हैं, जिसको बैंक किसी भी वक्त उसकी रकम को वापस मांग सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं जिसका नाम है शॉर्ट टर्म लोन। अगर शॉर्ट टर्म लोन की बात की जाए तो उर्दू में से कहा जाता है करीब मुद्दत के कर्जे, और ये ऐसे कर्जे होते हैं जो 1 साल के लिए लोगों को जारी किए जाते हैं। इसका नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट टर्म है, तो जारी बात है इसका टाइम पीरियड भी यहाँ पर क्या होगा, इसका टाइम पीरियड कम होगा। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आप लोगों के पास 1 साल का टाइम होता है। 1 साल के अंदर अंदर आपने अपने इस कर्जे को क्या करना होता है, पे करना होता है। सेकेंड आप लोगों के पास आता है जिसका नाम है मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन की अगर हम लोग बात करें तो मीडियम टर्म लोन जिसे उर्दू में कहा जाता है दरमियानी मुद्दत के कर्जे, और जो दरमियानी मुद्दत के कर्जे बेटा होते हैं इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल से 5 साल होता है। कुछ इसको 1 साल से 3 साल भी जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन इसके अंदर जो है वो यहाँ पर पाई जाती है दोनों के अंदर। शॉर्ट टर्म में कोई कहता है कि जी इसका टाइम पीरियड 1 साल से 3 साल भी होता है, कोई कहता है नहीं इसका टाइम 1 साल होता है। मीडियम टर्म में कोई कहता है कि जी इसका टाइम 1 साल से 5 साल होता है, कोई कहता है नहीं जी 3 साल से 5 साल होता है। लेकिन क्लियर कर दूं कि शॉर्ट टर्म चूंकि नाम से लिखा हुआ है शॉर्ट, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसमें 1 साल मिलता है। मीडियम टर्म में 1 साल से 5 साल का टाइम होता है। और फिर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन। नाम से पता चल रहा है लॉन्ग टर्म, तो इसका टाइम पीरियड 5 साल से 10 या उससे भी ज्यादा सालों के लिए होता है। और आखिरी जो हमारे पास इसकी टाइप आती है लोन की, उसका नाम है प्रोजेक्ट लोन। अगर प्रोजेक्ट लोन के बारे में यहाँ पर बताऊं तो प्रोजेक्ट लोन क्या होता है कि बैंक बेसिकली जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं इनको कर्जा जारी करते हैं उनके किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक बैंक इनको कर्जा देता है, और जिस दिन प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है बैंक उनका ये कर्जा भी वहां पे एंड कर देता है। उसके बाद फिर सारी बातों से अपनी रिकवरी करनी होती है। अब अगला पोर्शन जो हमारे पास आता है उसका नाम है एडवांसेस ऑफ लोन। इसमें बाय मिस्टेक ऊपर यहाँ पे मुझसे लिखा गया टाइप्स ऑफ लोन, मैं इसलिए इसको क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हेडिंग है वो आप लोगों की कौन सी है, वो आपकी एडवांसिंग लोन की हेडिंग है। अब जारी बात है ऊपर टाइम हम लोगों ने देख लिया कि बैंक कर्जे दे रहे हैं डिमांड लोन की शक्ल के अंदर, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और फॉरन उसमें क्या नाम है उसका प्रोजेक्ट की शक्ल में। अब ये जो कर्जे जारी किए जाते हैं ये कर्जे आगे से 5 तरह के आप लोगों के पास होते हैं। इनके जो एडवांसेस की जाती है वो 5 तरीकों से होती है। नंबर वन बाय ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को उर्दू में कहा जाता है फाजिल वसूली के जरिए, इसे फाजिल वसूली उर्दू में बोला जाता है। अब ये है क्या चीज ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट ये बेसिकली सहूलत दी जाती है करंट अकाउंट होल्डर्स को, चिल्लत खातेदार को ये सहूलत दी जाती है कि आप बैंक में अपनी मौजूद रकम से ज्यादा पैसे जो है वो क्या कर सकते हो, वो विड्रॉ कर सकते हो।
लाइक आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं 1 लाख और आपने किसी को पेमेंट करनी है 1,10,000 की, तो बैंक आपको इजाजत दे देता है ठीक है आप चेक लिख दें हम उसकी पेमेंट उसको कर देंगे, तो देन ये ओवरड्राफ्ट आपका कहलाएगा। आप इसमें जो पैसे ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं वो कितने विड्रॉ कर रहे हैं, वो 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जिसे उर्दू में कहा जाता है नकद कर्ज। अब इस सूरत में क्या होगा, अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ कर्जा लेने के लिए तो बैंक जो कर्जे की रकम है वो मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगा, इसे कहा जाता है कैश क्रेडिट। मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो कैश आ चुका होगा। थर्ड नंबर पे आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे उर्दू में कहा जाता है हुंडी और डिस्काउंट को कहा जाता है बट्टा। अगर पूरा वर्ड बोलूं तो इसको कहते हैं हुंडियों पर बट्टा लगाना। अब बैंक क्या करते हैं कि जितने भी उसके पास उसके कस्टमर्स हैं जब कोई भी बिल लेकर आ जाए लेन देन का बिल के भी मैंने एक बंदे को सामान बेचा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो मेरे इतने पैसे मैंने उससे लेने हैं लेकिन उसे ये टाइम डिसाइड किया, तो बैंक कहता है ठीक है आप ये बिल मुझे दे दें। बैंक थोड़े से पैसे डिडक्ट करते हैं और बाकी के पैसे आपको यहाँ पर क्या करता है पे कर देता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का। सेकेंड आपके पास सेकेंड लास्ट जो वे आता है वो है बाय मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या चीज है कि जो बैंक है आपसे पहले कोई चीज रखेगा, कोई एसेट आपसे लेगा, लाइक आपके घर के कागज वगैरह या आपके पास कोई गाड़ी वगैरह तो उसके कागज वगैरह या जो आपका बिजनेस है उसके कागज वगैरह, ऐसा कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखेगा जिसको बेच के कल को वो अपना कर्जा पूरा कर सकता हो। तो पहले कोई चीज बैंक ने कीमती चीज आपकी अपने पास सेव करनी है, उसके बाद बैंक जब आपको कर्जा देता है तो उसे कहते हैं मॉर्गेज लोन, कि कोई चीज रखवा के हम लोगों ने कर्जा लिया है। और आखिरी हमारे पास आता है जिसका नाम है बाय ओपनिंग लोन अकाउंट। बाय ओपनिंग लोन अकाउंट में क्या होता है बेटा जी कि बैंक कहता है कि आप हमारे कस्टमर नहीं है, तो पहले आप एक काम करें कि पहले आप हमारे बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएं। अकाउंट ओपन करवाने के बाद फिर जितना भी आपको कर्जा रिक्वायर्ड होगा हम आपको वो सारे का सारा कर्जा क्या करेंगे पे कर देंगे, जिसे हम लोग नाम देते हैं बाय ओपनिंग लोन अकाउंट, यानी कि कर्ज का खाता खोलकर। पहले कर्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे अकाउंट ओपन करवाएंगे और अकाउंट ओपन करवाने के बाद जो है वो हमें हमारे पैसे यहाँ पर क्या किए जाएंगे कर्ज के पे किए जाएंगे जितना भी हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा। अभी यहां तक रखते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसके जो स्कैमरी फंक्शंस हैं उनको बाद में रीड करेंगे। और अगेन दोबारा से मैं यहां पर बता रहा हूं कि इसमें ये एक छोटा सा टाइपिंग एरर आ गया। ये सेकंड स्लाइड जो आप लोगों के सामने इस वक्त आई हुई है जो लास्ट है इस लेक्चर की जिसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ लोन, ये टाइप ऑफ लोन नहीं ये एडवांसिंग लोन की बेटा जी